अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे इंशाल्लाह। तो आज ये छोटी सी बहुत मज़ेदार और झटपट से बनने वाली रेसिपी, जैसे कि आपको आप देख रहे हैं कि जी ये आलू चना और लोबिया की जो है चाट है, और जो सबको ही बहुत पसंद होती है, माई फेवरेट एंड जो है ना वेरी इजीएस्ट जो है ना रेसिपी है, जो कि सारे इंग्रेडिएंट जो हैं तकरीबन आपके घर में ही मौजूद होते हैं ऑल टाइम। और इसकी इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात ये लगती है कि जी सर्दियां हों या गर्मियां हों, इसके लिए कोई मौसम जो है वो नहीं डिपेंड करता है किसी मौसम पे। जो है वो सर्दियों में भी बहुत मज़े की लगती है, गर्मियों में भी बहुत मज़े की लगती है। तो जी इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने बॉईल कर लिए थे चने और आलू जो हैं तकरीबन दोनों हाफ के जी थे, और ये लोबिया है ये है वन थर्ड के जी मतलब एक पाव, ठीक है जी। प्याज ये तकरीबन दो मैंने कट कर लिए थे, और टमाटर ये भी तकरीबन दो, और मिर्चें आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, कम पसंद है तो कम। और पल्प मैंने तैयार कर लिया था इमली का, और यहाँ पे जी मैं लेमन यूज़ करूँगी तकरीबन डेढ़, और नमक और जी चाट मसाला। बिल्कुल ईजी और सिंपल से इन्ग्रीडियंट है इसके। अब हम सबको कर लेंगे मिक्स 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 वन बाई वन, ठीक है जी। और उसके बाद लोबिया हमने मिक्स कर लिया, अब इसके बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे बाकी सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, इसमें जो है प्याज मैंने कम मिक्स किए हैं, क्योंकि प्याज मैंने अलग से भी काट लिए थे, जिसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ज़्यादा भी डाल ले, और बच्चे जो हैं उनको ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने जो मिक्स किया था वो मैंने कम ही जो है ना उसमें मिक्स किया था। अच्छा, लेमन तकरीबन डेढ़ था, लेकिन उसके बाद मैंने अगर मुझे कम या ज़्यादा लगेगा मतलब ज़्यादा डालना होगा तो फिर मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। नमक ऐड कर लिया, वो भी हसबे जायका होता है, जितना आपको पसंद हो ज़्यादा कम वो अपने हिसाब से। और चाट मसाला भी इसी तरह से, ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था क्योंकि बच्चों ने भी खाना है, तो फिर ज़रा थोड़ा जो है ना मैंने कम स्पाइसी रखा था। अच्छा जी, सारा जो है पल्प मैंने डाल दिया इसमें इमली का जो है, ठीक है। और अब सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। अगर मुझे जो है मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा था इसका, फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा और तैयार कर लिया था। इमली जो है तो तकरीबन यानी एक कप, जिसमें कितनी तकरीबन होंगी गुठलियाँ, 15 से 16 गुठलियाँ हों, तो वो जो है ना वो एक कप बड़े आराम से अच्छा सा गाढ़ा सा पल्प तैयार हो जाता है। अब ये देखें बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल झटपट से बहुत आसानी से बड़ी जल्दी जो है ना वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पे जी अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गेस्ट को उनको सामने पेश करते हुए आप ऐसा करें कि जी साथ में चाट मसाला रख लें, क्योंकि किसी को ज़्यादा स्पाइसेस पसंद होते हैं तो अपने हिसाब से ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।